क्या क्या सब्जी लेगा दोस्त? आज तुम चिकन खाएगा ना? चिकन ना? हाँ होगा, हम तो सब्जी लेगा। ओ ठीक है, तो आगे सब्जी मंडी होके जाएगा ना। हाँ। अरे रोबिन दोस्त कहाँ घूम रहा है? बस ऐसे ही टहल रहा था। ओ ये अरे रोबिन सर आजकल दिखाई नहीं देते हैं। अच्छा ना दोनों दोस्त आजकल क्या हो गया तेरा? घर में ऐसे बैठता घूमता नहीं है ना। अरे ये मेरा दोस्त है लखन, पंजाब का है, यह लोकल है ना। कहाँ जाके आया? ये गुरुद्वारा जाके आया, पर इसके साथ माता टेक के आया। तो पंजाबी बन गया क्या यहाँ आके? अरे बात नहीं है, पंजाबी लड़की शादी करने का गुरुद्वारा में सब लोग, मतलब मेरे दोस्त ने कहा ना गुरुद्वारा में सब आ सकते हैं और सबका मतलब ये आशीर्वाद मिलता है गुरुद्वारा में जाने से ना। वैसे ही मैं जाके आ गया, बहुत अच्छा लगा। तुम दोनों भी कभी जाओ। आम दोनों का तो देखते हैं, पहले सब्जी सब्जी लेके आएगा, अभी सब्जी लेने जाएगा। हम समय समय कम दोस्त निकल जाएगा। ये दोस्त हमको ये जगह दिखाएगा बोल के, ये जगह थोड़ा जानता है ना, हम हमें इतना जगह पता नहीं है यहाँ का, हमको तो ये जगह दिखाएगा तो उसके साथ जा रहा था। होगा तो जगह देख के हम लोग बाद में दिखाओ, तो दोस्त हम दोनों निकल समय जाएगा ना। होगा रोबिन दोस्त डेंजर हो गया, पूरा पंजाबी के साथ घूम रहा है। लड़का पता नहीं है अपना लड़का के साथ उसने नहीं जगह काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बहुत ज़्यादा गुरुद्वारा का बारे में थोड़ा कुछ बता ना। ये गुरुद्वारा बहुत सालों का बना हुआ है, इसमें गुरपुरब भी मनाया जाता है। हमारे बाबा नानक जी थे, वो 500-600 साल से गुजर गए थे ना, जब उनका जब वो आता है हैप्पी बर्थडे आता है यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आपको तालाब दिखाता हूँ, बहुत अच्छा। हाँ यहाँ तालाब भी है? तालाब भी है, बहुत बड़ा है। कुछ पहले उसका हालत बिगड़ा हुआ था, अब थोड़ी देर में सही किया उसको। ओ बाबा जी का मंदिर है, इसमें बाबा ना बहुत देर से रहते थे उस मंदिर में। कौन से बाबा? कुटिया वाले बाबा बोलते थे उनको। अभी उनका डेथ हो गया है, 1 महीना हो गया है इसमें रहते थे वो। बहुत साल 100 साल की उम्र होगी थी उनकी। जगह तो बहुत बढ़िया है, पहले हमारा सरपंच भी नया बना, पहले तो इसका बहुत बुरा हालत था, बहुत बुरा। पानी भरा रहता था इसमें, बाहर निकलने लग जाता था। फिर सरपंच ने, सरपंच को हमने बहुत मुश्किल से, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पाकर उसको जिताया। फिर उन्होंने इसकी सफाई कराई। बहुत सारी खेती हैं इधर, बहुत अच्छा लगता है, ये सारी बढ़िया लगती हैं। ये खेत बहुत सुंदर हैं, जो आप गन्ने का फार्म खाएंगे आपको।
ये गन्ना ये तीसरी बार ये हुआ हुआ है, इसको लगाते हैं ना ये चार लो देता है, चार बारी हो जाता है, पहली बारी काट लिया दोबारा फिर हो जाएगा। अब ये तीसरी बारी में हुआ है देखो, पर इसमें पूरी ताकत नहीं है अब। अब ये ताकत तो है पर ज़्यादा नहीं, पूरा मीठा नहीं है। मीठा उतना नहीं होगा ना, ना तीसरी बारी में हुआ हुआ है। जो भी है काफ़ी पतला भी काफ़ी है, जो पहले लो में लगाते हैं ना वो तो इतना मोटा होता है, और मीठा भी एकदम शहद की तरह होता है। अच्छा, जो ये जो बच जाता है ये पट्टे, इसे क्या करते हैं? इसको भैंस में, भैंस को डाला जाता है। यार तेरे पंजाब में तो बहुत सारे देखने को बहुत चीज़ें, बहुत ज़्यादा मेले मूले में जाते हैं, बहुत अच्छा, वहाँ भी बहुत अच्छा है। आपको यहाँ कोई चीज़ की वो नहीं है, हर एक चीज़ मिलेगी, हर एक यहाँ पंजाब में आपको कोई परेशानी नहीं है, जो चीज़ मांगेंगे वही मिलेगी, पर थोड़ा टाइम लग सकता है, मिलती ज़रूर है। पंजाब में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो ना मिले, बहुत बढ़िया है। यहाँ के लोग भी बहुत सुंदर हैं, लोग भी काफ़ी दिलदार हैं, बहुत ज़्यादा दिलदार हैं। कोई ऐसा नहीं है कोई बाहर का आदमी आ जाएगा उसका साथ नहीं देंगे, बहुत साथ देंगे, पर बाहर वाला आदमी सही होना चाहिए, उन लोगों का गुण जानने वाला चाहिए, बहुत साथ देते हैं। ऐसा नहीं है उसको जैसे कोई परदेसी आदमी आ गया है या उसको साधन नहीं मिला, लेट हो गया है, उसको घर में भी ले आते हैं, सलाते हैं, खाना खुना सब कुछ देते हैं। जिसको पास कहीं पैसा भी नहीं होता, लोग ऐसे हैं कहीं मार कूट कर पैसा भी खो लेते हैं, मोबाइल भी नहीं छोड़ते, उसको किराया भी देते हैं। जो बोलते हैं भाई जी तुम जा नहीं सकते, घर भी छोड़ के आते हैं, ऐसी बात नहीं है, हर एक चीज़ में साथ देते हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं यहाँ पे। प्याज का कितने का? 60। ओके। सिक्सटी के जी कटी ना नहीं मोड़ दो। क्या लिया है? मटर लिया है। ओ होगा। ओ ओ भैया केरे बिक दे दीजिए। केरे लो। किलो करना ज़्यादा हो गया। किलो हो गया। नहीं यहाँ में सब्जी नहीं है ना, बाहर से ले लेगा। भाई कितना है? 90। अरे अभी पंजाबी बंदा उसने बताया 60 में लिया हुआ है। नहीं तो भाई ऐसे गलत है। आज सुबह भी हमारा दोस्त लिया है 75 में है, 80 से ज़्यादा कभी लिया है। भाई अभी अभी तो 60 में दिया हुआ। नहीं यार बहुत महंगा हो गया, दुआ लिया आपने दुआ ये तो भैया देखा देखी ना इंसाफी है। देखिए हमारे पास आलू पड़ा है, दो तरह का, एक है 20, एक है 30। यही प्याज है जो पंजाबी बंदे को दिया हुआ है? चीटा, चीटा। ये तो कलर। ये तो भैया ना इंसाफी है। नहीं इंसाफी नहीं, धक्का साई, धक्का साई। ठीक नहीं है रे, पूरा तगा रहा है हम लोग को, देखा देखी पूरा स्टूडेंट को तगा रहा है। डिग्री खत्म होने तुम क्या करेगा सोच रहे हैं? ना वो तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हम तो फिशरी। हम तो ना चिंता है अभी से डायरेक्ट एग्जाम का लेके, क्या करेगा ना डिग्री खत्म होने माल है भाई।
क्या माल है ओए चिणकिया ओए ओए चली चली सोए क्या हाल है ओए ना ये कुत्ता लोग हमेशा ऐसे करते हो इससे अनपढ़ गवार लोग है ना ये लोग जो दिखने में ना कैसा ये लोग ऐसे ना इससे गावले कसम बोले हम लोग दामों का वासे भी इतने ज्यादा गावले हैं दिखने में नहीं करते तुमको जोर से लगा है क्या जोर है नोटिस के बारे में जानते ही नहीं ये लोग अभी खेलना था क्या एग्जाम आ रही पढ़ रहे सोचता नहीं है खेला टेंशन नहीं खेला डिस्टर्ब करते रहेगा खुद तो पढ़ेगा नहीं हम भी पढ़ने नहीं देगा पूरा भुला दिया गया क्या में था टेंशन नहीं देखना डिस्टर्ब कर ओए सुनो तो यार अभी मत खेलो ना प्लीज डिस्टर्ब हो रहे तो अभी यार हमको पास होना है पढ़ते ही है यू ठीक है नहीं खेलेगा पता नहीं एक दो घंटा पढ़ के तुम आईएएस ऑफिसर बनेगा इतना पढ़ा भी नहीं अभी तक तुम लोग कुछ भी पढ़ो ना दोस्त छोड़ दो दोस्त खेला पढ़ने दे दो पढ़ो भी दिमाग खराब है खेला नहीं नहीं देते कितना बज गया रे साढ़े चार आज डेट कितना है 23, 26 से एग्जाम है तब तो टाइम ही नहीं गया पढ़ना पड़ेगा और सर वो सर को भी गिला जो हम गधा सोचते हैं ना उसको भी दिखाई गई और पास हो गया सर नहीं चल रही सर टाइम नहीं जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा Servicing to get the car for its large sale force in the bill. You may have been asked to examine in real terms the change in this. Mujhe aaj ke liye bhook lag gaya. Bhook lag gayi. Khana hai to kha lega khana. असली में बहुत भूख लग रहा है भयंकर भूख लग रहा है खाना सब्जी बनाए थे लगे आया खाना भी नहीं है सब्जी भी नहीं है क्या करेगा अभी बनाने मन भी नहीं है सब्जी अभी अच्छा या पाओ कॉल कर देखिएगा ट्रीट देगा होगा लंच इतना भूख लग रहा है कि क्या बोलेंगे हाँ यापा हाँ बोलो अजिंक कहाँ में तुम फ्री है तो चल लंच करने जाएगा चिकन कॉर्नर में तो तुम रूम में बना के खा लेगा था दोस्त दोस्त बनाने मन नहीं है मेरे पास सामान भी नहीं है ना ना दोस्त हम को भूख लग रहा था मेरा वो है ना हम वो से इलेक्ट्रिक कुकर से बना था करंट भी नहीं आया तो दोस्त मेरे पास लेकिन पैसा नहीं है चलो हम उधर में खिला देगा तुमको चलो जाएगा तो ना होगा तुम मेरा इधर आ जाओ अभी 5 मिनट अंदर में आ जाएगा ओके ओके हां होगा अब आ रहे हैं इधर चले जिंके जिंके चैनीज 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 जिंके ओए
ऊपर से एग्जाम में अलग अलग दूर दूर में बैठते हैं, क्या करेगा? कुछ नहीं, मैंने पढ़ रहा है, पूछ के है ना, तब पढ़ लेंगे हम लोग तो। ऐसे भी आदत ही है, कल एग्जाम है, आज रात पढ़ी है, ऐसे बोलो। ठीक है, बाद में हिमालय को पढ़ाने देगा ना रात को, ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो और क्या करेंगे। देखो वो चुटिया को, हम दोनों को गली देके गरम खेल रहे थे, खेल के आ रहे हैं। चुटिया लोग ऐसे होते हैं, हरामी साला। ये क्या है, चलो लंच करने जाएगा, चेन करने जाएगा, यापा को बुलाए, यापा भी जाएगा, चलो लंच करके आते हैं। जाएगा ना? ठीक है, कुछ जाएगा। चलो कब आएगा? तो आने दो, अभी आएगा होगा, अभी बोले तो हम उधर में खिला रहे हैं, इसी खिला रहे हैं, मत सोचो उधर में खिलाएंगे। बस तुम महान है, जरा ज्यादा ऑर्डर तुम महान है, मत करो इसे हम लोग नहीं खिलाते इसे। ओए ओए चुप कर, बस खिला रहे उसमें खुशी रहे, बैठो के लफा ये अपा को आने दो। के पॉप से रहे चुतिया, के पॉप साला कुरीन छोटा बच्चा है क्या? तुम नहीं बोलते हम लोग तो, हम ऐसे तो नहीं बोलते ना, तुम चीन की चाइनीज से कोरियन नहीं बोलते ना, तुम नहीं बोलते कुछ बोलने क्या ऐसे करो, नहीं बोला माचिंग को पहले नहीं बोला, बोला नहीं बोलते जैसे बात करते हैं, बीटीएस बीटीएस को प्रॉप नहीं देते, तुम लोग वही बात का बदला ले रहा हो, तुम लोग हम खेलने नहीं दिया कि तुम हमें वैसे प्रॉप दे रहा, ऐसे बात नहीं है, हम क्या गलती किया, पर पढ़ने दो बोला है ना सिर्फ, अरे दोस्त ऐसे बात नहीं है, थोड़ा तो मजा किया कोरियन क्या है, दूसरा के सामने बोल सकते हो, बहुत इंसल्ट हो वो भी है दोस्त, ये अच्छा बात नहीं है ना, बस कुछ नहीं है ना ऊपर से। I am an Indian, true Indian, K-pop, K-pop का कैसे बोलो? केको 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 का गाना नहीं सुनेंगे, K-pop केको, प्यार से मुझको देखो। कोरियन क्यों बोलते? तुम BTS गाना सुनते नहीं रहते? तो गाना सुनने में क्या होता है? गाना सुनते रहने से क्या माजू को नहीं बोलता है तू, अब नहीं बोलता है जैसे सब चाइनीज है दोस्त ना, कोरियन नहीं, हम लोग सब चाइनीज ही है, वैसे भी यहाँ का अच्छे लोग बोलते ही है चाइनीज। यापा आ गया ठीक है, अरे यापा दोस्त तो निकलेगा, ये लोग पूछोगे ना, बच्चा लोगे ना, हमारा पास पैसा है, बच्चा बच्चा वैसे उधर दे दे ना, देखो ना पहले से हमको क्या रेसिज्म कमेंट दे रहे हैं, कोरियन सोरियन बोल रहे हैं, हम मत बोलो, ये हम बोलता है ना, हम इसको भी तो कितना बार बोला है, जबरदस्ती हमको बीटीएस एक बार बोला है तो भी प्रोवोक करता है जबरदस्ती, तुम ही समझा दो, ये तुम ही समझाने समझेगा, ये लोग है ना गला, जब भी देखिएगा रेसिज्म प्रॉप देते रहेगा जैसे चिंकी कोरियन ऐसे बोल रहे हैं, और काम नहीं है तुम लोगों का, बोलो तो कोरियन तो चाइनीज तो है, हम लोग को यहाँ में सब लोग चाइनीज तो बोलते हैं, मालूम नहीं है तो तुमको कोरियन मजाक कर दिया था, इसमें क्या इतना सेंटी हो रहा है, पर भी ना दोस्त अपने दोस्त को नहीं बोल रहे ना ऐसे, जरूरी तुम भी ध्यान रखो, मत बोलो ऐसे, या पर तुम ही समझा दो, तो तुमको एक बार बोलने तुम अचुमु नहीं बोल रहे, तुम क्या एक्टिंग कर रहे हैं, तो एक बार बोल दिए पहले से बोल रहे हैं, सेंटी हो रहा है, अब मालूम है ना तुम वही इधर खेलने नहीं दिया गया, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, वही बात गुस्सा आ रहा है, मजाक नहीं करता दोस्त, हल्ला मत करो, तो पूरा हम लोग हर जगह चाइनीज चिंकी बोल के बैठा है, तुम लोग आपस में ऐसा मजा करने से नहीं होगा, अभी हम आ रहा था ना तुम लोग का पास में, वहाँ भी पूरा पंजाबी तीन चार तू भाई रुका के आस पास में मेरा सामने चाइनीज चाइनीज बोला है, अगर तुम लोग साथ में होने से सीधा हाथ उठाना था, मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया था, सुन रहे ना अभी तक माथा गर्म है, हर जगह तुम लोग भी देखा है ना, हम लोग दुकान में जाने से भी चाइनीज बोलता है, कॉलेज में जाने से भी चाइनीज बोलता है, कोई इंडियन कभी बोला है क्या? इंडियन होने के लिए हम लोग माथा में लिखना पड़ेगा, हर जगह ना चाइनीज चाइना, बहुत दिमाग खराब है, यहाँ पर नहीं लिखने आया, हर जगह चाइनीज चाइनीज सुनने मिल रहा है, हम तो अभी आज उठाएगा तो उसको उठा दोगे, साथ देगा हम,
वो दिमाग खराब है मारेगा ना एक एक का पूरा हद ही नहीं तोड़ देगा पर एक को इंजूर करेगा तब ये लोग पता चलेगा सबक सिखाएगा सही सही है ना डर लगते थे मारेगा मारेगा बोलते दर्पण खाई का मिलके मारेगा ना आने कोई बोलने दोस्त वाला नहीं छोड़ेगा अभी अपा दोस्त भी है ना गुस्सा लगता है बहुत गुस्सा लगता है चलो चलो पूरा दिमाग खराब है साला ये हम लोग पढ़ने लिखने आया ना पूरा घर में भाई भैया मम्मी पापा हम लोग पूरा गरीब है आधा लो ना यहाँ पढ़ने आया है ना तो पहले लार के बक चुका होगा ये लोग दिमाग खराब है चलो दोस्त लंच कर ले बोल खाना बना खिलाता ही नहीं कुछ खाया ना हिमालय ओ जल्दी पहन के आ दोस्त समय कम है जल्दी वो देखो चिंके लोग आ रहे हैं उधर से चिंके लोग आ रहे हैं चलिए इनको छेड़ते हैं आज आबे सुन अच्छा से आज इनका सबक अच्छा से सिखाना है बहुत दिन से इनका नाटक देख आज चल दिवाली है ना बम इनके पीछे लगाते हैं चल इनको छेड़ते हैं आज इनका मजा लेते हैं चल 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 आने दे ए चिंके ओ चिंके चाइनीज बच्चे लोग किधर जा रहे हो किधर किधर अरे हाय हाय चाइनीज ओए चाइनीज लोग क्या हो गया क्या तुम लोग का चेहरा चेहरा से मिलता है तो चाइनीज ही बोलेगा क्या क्या हो गया चेहरा तो मिलता है तुम लोग का सुनो क्या जरूरी है क्या क्या फर्क है क्या 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 सुनेगा क्या हो गया जितना भी हम लोग क्या हुआ चलो ना हो गया ना बस अब लर मत एक दूसरे से बाद में मिलो ना चुप चुप लड़ना नहीं यार चुप शांति शांति लड़ना मत अभी कोई भी एक दूसरे से तुम सब क्यों लड़ रहे हो तो तू समझाएगा देख मेरे भाई ये इसका रंग रूप अलग है तुम लोगों से अलग है ये इसका ये मतलब नहीं कि ये चाइनीज है ये भी इंडियन ही है तो बुरा क्यों लगता है बोलने से तो मेरे भाइयों पूरा तुम प्यार से अच्छा से बात करेंगे उन लोगों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे उन्हें बुरा नहीं लगेगा तुम चेहरो मत उन्हें और तुम लोग भी वो चेहरे रहे वो ना समझो नहीं जानते उसे प्यार से समझाने का कोशिश करो बल्कि क्यों लड़ क्यों रहे हो एक दूसरे बहुत बार कोशिश किया पर ये मानता नहीं है ना एक दूसरे से लड़ो मत ये भी ये लड़ने का क्या फायदा है ये मेरा पंजाब का मेरा अच्छा दोस्त है क्या हम एक दूसरे से लड़ते हैं क्या लड़ने का कोई फायदा नहीं जो भी है लखन भाई हम एक दूसरे से इतने प्रेम से इतने प्यार से रहते हैं एक साथ तुम सब लड़ क्यों रहे हो तो हम अगर हम लड़ाई हमने तो स्टार्ट नहीं की थी तुमने क्यों छेड़ा भाई इनको मैंने छेड़ा ही नहीं और किसने छेड़ा किसी ने नहीं छेड़ा यार दुन दुन के मारेगा नहीं छोड़ेगा आप उसमें इकट्ठे रहते हैं तुम फिर इकट्ठे होकर लड़ते हैं लड़ने का क्या फायदा उसमें कोई फायदा नहीं है नुकसान है वो चाइनीज नहीं है सगल अलग अलग है पर है कि इंडिया के वो समझ गए किसी से लड़ना झगड़ने का कोई फायदा नहीं है ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੀ ਫਿਰ ਐ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲ ਕੋਈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੜਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
लड़ने का क्या फायदा, नुकसान है शरीर का। किसी ने ज्यादा चोट मार दी, किसी ने कम मार दी, उसका क्या फायदा है। चलो यार कोई नहीं, चलो लड़ने का। आशीर्वाद ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन लड़ना झगड़ना नहीं किसी के साथ, ठीक है। तुम तो मेरे जगह से है ना, हम भी तुम लोग को अच्छे से समझाते हैं कि ये सब लड़ाई से कुछ फायदा नहीं है, किसी का फायदा नहीं है। लड़ने से तो हमेशा दोनों का ही नुकसान होता है। लड़ने का कोई फायदा नहीं है। कोई तुमको अगर ऐसे चेहरे भी तो उसे अच्छा से समझाने का, प्यार का भाषा जो है ना हर कोई समझता है। लड़ने का जगह जब वो तुम्हें चेहर रहे हैं ना, तो प्यार से समझाने की कोशिश करो, वो भी समझ जाएंगे, वो भी बुरे लोग नहीं है। दुश्मनी भी प्यार समझाने की कोशिश करो। दुश्मनी बनाने को तो एक मिनट लगता है, पर बनाने में बहुत समय लगता है, ठीक है। ठीक है, अब तुम जाओ। चलो सब जाओ, लंच करने जाओ। चलो सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस शॉर्ट मूवी को देखने के लिए। ये शॉर्ट मूवी शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, ये असली घटना के बेसिस पे बनाया गया है। इंडिया में हम जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, हमारा शक्ल सूरत अलग होता है, सबसे अलग होता है, तो हमें इंडियन बहुत कम लोग बोलते हैं। कोई कोई तो हमें चाइनीज़, जापानीज, चिंकी बुलाते हैं, हर जगह चेहरते हैं। तो हमारा सभी टीम है, सब ने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, सबके एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे। मेरा नाम नवप्रीत सिंह जी, कि मैं तुम्हें इस वीडियो में देखा है कि इन्हों सारे लोग पंजाबी कुछ अनपढ़ चाइनीस चिंका कहकर बुलाने, जो कि बहुत ही गलत है। ये अपने ही भरा ने, तो इन्हों चंगी रिस्पैक्ट दिया करो, तो बाहरों पढ़ाइया कर बहुत दूरों आते हैं। इस करके असी इस वीडियो में अपना सारे ने एक्सपीरियंस शेयर किया, धन्यवाद। मैं अभिनव कुमार हूँ, मैं डॉल्फिन विद्यालय में पढ़ता हूँ यहाँ पे, और ये हमारे सारे दोस्त हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यहाँ पे इन ये लोग जो पढ़ने के लिए आए हैं बहुत चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग इन लोगों के साथ भी चलते हैं, तो इन्हें चिंके चिंकी करके चिढ़ाया जाता है, चाइनीज़ बोला जाता है, तो इन चीज़ों से ये लोग सफ़र कर रहे हैं। हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये लोग हमारे देश से ही हैं, इनका आधार कार्ड यहाँ का, पैन कार्ड यहाँ का, सब कुछ यहाँ का है, तो इनको चाइनीज़ क्यों बोलते हैं। जैसे जितना हो सके हम लोगों को एक दूसरे को भाईचारे में रखने के लिए इनसे बात करके देखो, इनसे मिल करके देखो, ये बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, ऐसे ही सारे दोस्त हैं हमारे। हेलो गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त शुभम, और ये एक सोशल कंटेंट है जो कि हर वक्त इनके साथ जो भी होता है यहाँ पे, छेड़ा छाड़ी जो कुछ भी है, इसीलिए हम लोग बनाए ताकि सब में एक अवेयरनेस आए इस पर, और हर वक्त ये इनके साथ होते रहता है, इसीलिए अवेयरनेस के वजह से बनाया गया है। जो भी है, आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब, और अगर कुछ अच्छा भी नहीं लगा तब भी डिसलाइक ज़रूर करके जाना, थैंक यू। हेलो गाइस, मेरा नाम जूरज दुपित है। भले हमारा शक्ल अलग है, फिर भी हम लोग इंडियन ही हैं। इंडिया तो मतलब इसी के लिए जाना जाता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, इसी के लिए जाना जाता है। तो इसे हम मतलब बरकरार रखने के लिए, तो ये वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करिए। हेलो गाइस, दिस इज मी मिस रिदोना का। द वे दे लुक एट अस, जैसे कि वो हमें देखते हैं ऐसे तार के, कितनी गंदी नज़र से देखते हैं, हमें बहुत बुरा लगता है। चलो आपको मान लिया कि अगर आपको पता नहीं है कि हम नॉर्थ ईस्ट से हैं, आप हमें पूछ सकते हैं कि भाई बहन आप कहाँ से हो, आप किधर के रहने वाले हो, क्योंकि आप दिखने में तो हमसे बहुत अलग है। हमें कोई बुरा नहीं लगेगा, इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है और हम इस कंट्री के छोटा सा सुंदर सा हिस्सा है, तो हमें भाईचारा और एकता हमेशा बनाए रखना चाहिए। जय हिंद जय भारत। तेरा क्या जा रहा है? रुको। तेरा क्या जा रहा है? हरामी साला चुतिया। मौका भी तो किसी दे दिया ना लगा। पहले असलो मैं जो इसीलिए सबसे अलग दिखते हैं। गलत जगह हो गया।
अभी हम भी मतलब मैं हम लोग एक ही क्लास का है पीछे मुड़े कोई नहीं है ना इतने से होगा चलो हम लोग सब खड़ा।